देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मराठा सेवा संघ दमन के द्वारा 10वीं बहर 2023 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का गुण गौरव अंग मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज के इस आयोजन में मुख्य मार्गदर्शक गवर्नमेंट कॉलेज की डॉक्टर योगिता मैडम, इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के टेक्निकल हेड राकेश पाटिल, सरमार्क कॉमर्स क्लास के डायरेक्टर राकेश खेड़ेकर, मराठा सेवा संघ दमन के अध्यक्ष गणेश पाटिल, उन्होंने सभी विद्यार्थियों को 10वीं 12वीं के बाद भविष्य के बारे में मार्गदर्शन किया और सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर गुण गौरव किया। इस आयोजन में जिजाऊ ब्रिगेड अध्यक्ष मंदाकिनी करले, मराठा सेवा संघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र कोकाटे और मराठा सेवा संघ के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने मेहनत की। सभी विद्यार्थियों के साथ उनके पालक भी इस आयोजन में मौजूद रहे। उपस्थित सभी मान्यवरों का और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन्होंने मेहनत की उन सभी का मराठा सेवा संघ दमन के अध्यक्ष गणेश पाटिल ने आभार व्यक्त किया और आगे भी हर साल ऐसे आयोजन होते रहेंगे, इसी वचन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की गई है। देखिए जगत न्यूज 24 दमन से कोमल सिंह राजपूत की रिपोर्ट। 10वी मोठ्या प्रसंगामध्ये पहिल्यांदाच बघायचं झाला असतं एक स्टेज बी असत ना ते आहे माझ्याकडे आणि कदाचित तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावर ते दिसतही असेल। मी काहीतरी वेगळंच बोललंय, मी काही तुम्हाला मार्गदर्शन वगैरे करणार नाही, कारण 10वीच्या मुलांनी त्यांच्या प्रोफेशनल फील्डमध्ये पहिलं पाऊल टाकलेलं आहे। त्यांनी अर्धा वेळा ऍडमिशन घेतली, 12वीच्या मुलांनी तर 100% टाकली, त्यांनी त्याच्या लाईटिंगच्या फील्डमध्ये त्यांनी पहिलं पाऊल हे जीवनाचं टाकलेलं आहे। आता 10वीपर्यंत तुमचं जे आयुष्य होतं आणि 11वीपासूनचं जे तुमचं आयुष्य आहे याच्या जिल्हा मुख्य त्यांचाही मार्गदर्शन केलं। आजचा दिवस विद्यार्थ्यांचा आहे, काय बोलावं, घरून काही प्रिपेअर केलेलं नव्हतं आणि आज ऑफिसमध्ये होतो दिवसभर। संजय पाटलांना माहितीच होतं, माझी दोन विमानं फसली होती, त्याच्यातलं एक विमान निघालं। बेसिकली आम्ही विमान प्रोडक्शन करतोय, विमानातले सगळे बारकावे पूर्ण दुरुस्त बाहेर जात नाही करतात ते, पण त्यासाठी चांगल्या सेंटरला मास्टर्स किंवा पीएचडी करून तुम्ही बाहेर पडू शकता। एमपीएससी आहे, एमपीएससी करू शकता, यूपीएससी, यूपीएससी आपल्या मला फक्त ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस इतकंच नेहमी आपण विचार। मागच्या वर्षापासून आपण ही कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे। पहिले 10वी आणि 12वी जे उत्तीर्ण विद्यार्थी झाले ज्यांना कमी टक्के पडले त्यांचं जास्त हार्दिक अभिनंदन, जास्त ज्यांना जास्त पडले त्यांचं सुद्धा अभिनंदन, त्याच्यामुळे कोणाला कमी पडले म्हणून काही तुम्ही खचून जाऊ नका। ही इथून आता सुरुवात आहे, पण एकदा आता असा निर्णय घ्या की इथून पुढे जे होईल त्याच्यात नक्की असा विचार करा की नमस्कार जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल सिंह राजपूत। आज दमन में मराठा सेवा संघ द्वारा 2023 में 10वीं और 12वीं में पास हुए विद्यार्थियों के लिए स्वागत सत्कार और मार्गदर्शन का आयोजन किया गया है, जो जिस मतलब कि हर साल होता है। और आज 2023 में जो 10वीं और 12वीं के बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए भी आज यहाँ पर आयोजन था। तो आज के जो मराठा सेवा संघ के आयोजक हैं जानते हैं उनसे कि किस तरह से आज 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मार्गदर्शन और सत्कार किया गया है और आज के मुख्य अतिथि और मार्गदर्शन जानते हैं उसके। नमस्कार, आज मराठा सेवा संघाने 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांकरता पोस्ट केला, 10वी और 12वीचे स्टुडंट्स के लिए एक उनका सत्कार किया था। उन्होंने जो सफलता पाई थी उसके अंदर सत्कार किया था और उनको हमें बुला के उनको मार्गदर्शन किया कि आगे के लिए क्या करना चाहिए, वो हमने उनको बताया, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये हर साल होता है डॉक्टर को? हाँ, ये हर साल, ये जो है लास्ट ईयर भी हुआ था, ये साल भी हुआ है और ये आगे भी। अब हम जानते हैं मराठा सेवा संघ के जो अध्यक्ष है राकेश गणेश पाटिल जी, आज के आयोजन के बारे में जो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मार्गदर्शन और सत्कार रखा जाता है हर साल,
मराठा सेवा संघ एक राष्ट्रीय संगठन है और दमन में 2020 से अपना कार्यरत है। मराठा सेवा संघ दमन का यही कार्य है कि जो 10वीं 12वीं के बाद में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, जो परीक्षा पास करते हैं, तो आगे कैसा पढ़ाई करना है, क्या करने का, उसके बारे में गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मराठा सेवा संघ ने ये लास्ट 2 ईयर से अब ये कार्य कर रहे हैं ताकि 10वीं 12वीं के बाद में जो भी पालक, जो भी विद्यार्थी, जो भी सब रहते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है ताकि उनको एक योग, मतलब योग की दिशा मिले और आगे उनका करियर में क्या करना है वो, मतलब रास्ता क्लियर हो करके। इसके लिए मराठा सेवा संघ दमन की लास्ट 2 साल से ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करेगा ताकि हमारा जो भविष्य है वो अच्छी तरीके से उनको कुछ आगे प्लान करने का सही गाइडेंस यहाँ पे मिले, ये प्लेटफॉर्म पे मिले, इसके लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। से बात करने के लिए तो ये थे गणेश पाटिल, मराठा सेवा संघ दमन के अध्यक्ष और जगत न्यूज 24 गुजरात दमन कोमल सिंह राजपूत के साथ गणेश राजपूत। धन्यवाद।